मंत्रिमंडल विस्तार में दो मंत्रियों को जगह मिलने पर विश्वास सारंग ने बधाई दी और उन्होंने कहा है कि जिस तरह की सरकार ने कोरोना काल में भी विकास जारी रखा वह सराहनीय है। जनता की सेवा और उनका विकास करना ही सरकार के मुख्य लक्ष्य रहा है और निरंतर इस दिशा में काम करते रहेंगे। आज वैक्सीन को मंजूरी मिली है, मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूँ। इस देश का मान और सम्मान उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद हर क्षेत्र में बढ़ाया, पर इस वैश्विक महामारी कोरोना से जंग के लिए भी हिंदुस्तान सर्वप्रथम रूप से वैक्सीन बनाएगा और उसका लीडर बनेगा, ये सौभाग्य भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को मिला है। मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण किया और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2021 उम्मीदों का साल है, निश्चित रूप से हमारी उम्मीद विश्वास में तब्दील हुई और अब इस वैश्विक महामारी के खिलाफ हिंदुस्तान पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। विश्वास ही आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ।